सभी को जय यीशु मसीह। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक समय हम लोगों को दिया ताकि हम लोग उसके वचन को जान सकें, हम लोग समझ पाए कि वो परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, हम लोग जान पाए कि वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर है प्रेमी परमेश्वर। वो आपसे, हमसे, पूरे जगत से प्रेम करता है। अगर हम लोग यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 16 पद में देखें तो हमारा जो परमेश्वर है उसका प्रेम का वर्णन हम वहाँ पाते हैं। परमेश्वर का वचन वहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज मेरी दुआ यही रहेगी, वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर पिता जिसने इस जगत के लिए अपने पुत्र को बलिदान दे दिया, जितने जन आज ये वचन को सुन रहे हैं, जितने जन इस समय टीवी स्क्रीन पे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर सबको आशीष करे। मेरी दुआ उस खुदावन से यही रहेगी कि जितने भी तकलीफ है आज परमेश्वर आपको दूर करे। हम इंसान हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया और उसने इस दुनिया में हमें रखा। और जब हम लोग इस दुनिया में अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम लोग इस दुनिया में अपने जीवन को जीते हैं, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे कष्ट के साथ हमें जीना पड़ता है। हमारे अंदर में बहुत सारे डर काम करते हैं। और आज मैं एक ऐसे प्रभु के जन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसके बारे में हम इस पवित्र शास्त्र से जानते हैं। पुराना नियम में हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है याकूब, जेकब। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उत्पत्ति पढ़िएगा 28 अध्याय का 10 पद, उस वचन पे परमेश्वर दृष्टि दे रहा है कि याकूब एक जगह से, जिस जगह पे वो था और एक जगह जहाँ उसको जाना पड़ा, जहाँ उसका जन्म हुआ था और जहाँ से वो जन्म के स्थान को छोड़ के उसको जाना पड़ा कहीं और। अगर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 28 अध्याय 10 पद, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि याकूब बेशोरबा से निकलकर हाड़ान की ओर चला। ये वचन बता रहा है कि वो था बेशोरबा का, लेकिन वो चला हाड़ान की ओर। उसके जीवन में कुछ ऐसे घटना घटी, उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो उसको अपना जगह छोड़ना पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके मन में एक डर काम कर रहा था। जब वो बेशोरबा को छोड़ा और वहाँ से हाड़ान की ओर गया, उसके मन में एक डर था। वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, वो सोच रहा था कि कल क्या होगा, मेरा भविष्य कैसे बीतेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जब याकूब के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे आप देख पाएंगे, जब वो निकल गया वहाँ से, उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसका जो वो हाथ था, वो हाथ पूरा खाली हाथ था। लेकिन उसका जो ये सफ़र था, उस सफ़र में वो अकेला नहीं था। सब किसी ने उसके साथ को छोड़ा था, पर कोई एक ऐसा शख्स था जिसने उसके साथ को छोड़ा नहीं। कोई एक ऐसा शख्स था जो उसके साथ था, और वो था स्वयं परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, वो परमेश्वर उसके साथ था। मैं सोचता हूँ जब शायद वो अपने हाथों को देखता था
वो सोचता था कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथ को आशीषों से भर दिया, उसके हाथ को उन आशीषों से भरा जिसका वो हकदार नहीं था। और हर एक आशीष जब उसके जीवन में आया, उसके जीवन को संतुष्ट किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप निराश हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है, जेकब की तरह आप भी सोच रहे हैं मेरा हाथ तो खाली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आपका हाथ खाली है, आज आप उस परमेश्वर से विनती कीजिए, आज आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और आज वो परमेश्वर आपके खाली हाथ को भर देगा, जैसे परमेश्वर ने याकूब के हाथ को भरा था। हमारा परमेश्वर कभी फर्क नहीं करता, वो जो कल था, वो जो आज है, वो जो युगानुयुग रहने वाला है, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमेशा प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप यशाया की पुस्तक 41 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे, वहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि तुम डरो मत, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। परमेश्वर का वचन वहाँ पे बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आपका हृदय व्याकुल हो रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, आज आप डर रहे हैं, मेरे प्रियो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है। आपको व्याकुल होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आज वो आपके खाली हाथ को भर देगा। मुझे नहीं पता कि आपको क्या ज़रूरत है, शायद नौकरी, शायद घर, शायद कुछ और, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि आपको क्या ज़रूरत है। वो जानता था कि याकूब को किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की घटी है, और परमेश्वर ने उसके कमी और उसके घटियों को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना कीजिए, आज आप उस परमेश्वर के सामने गिर गिराइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके सामने गिर गिराते हैं, जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे प्रार्थनाओं को कान लगा के सुनता है, वो हमारे प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। मैं और एक दास के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जिसको नाम लेके पुकारा था, और वो था मूसा, जिसको परमेश्वर ने नाम लेकर पुकारा था। हम लोग अगर निर्गमन 34 अध्याय पुराना नियम, निर्गमन 34 अध्याय और उसका 28 पद देखें, तो हम देख पाएंगे कि मूसा ने परमेश्वर से विनती की, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। किस तरीका से प्रार्थना किया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराना नियम 34 अध्याय निर्गमन और 28 पद, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तकियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा जो था वो परमेश्वर का दास था। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और मूसा उसके आवाज़ को सुन के गया, मूसा जब परमेश्वर को जानने लगा, पहचानने लगा कि वो जीवित परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो दिन ब दिन और भी परमेश्वर के नज़दीक आते रहा। और जब वो परमेश्वर के नज़दीक में आते रहा,
परमेश्वर ने उसको सिनै पर्वत पर बुलाया और ये वचन बोल रहा है कि वो 40 दिन और 40 रात उस पर्वत पे परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, उसने कुछ खाया भी नहीं और उसने कुछ पिया भी नहीं। हम समझ सकते हैं वो उपवास में था, वो निर्जला था और उसने परमेश्वर से विनती की। हम लोग जब अपने जीवन के तकलीफ में रहते हैं, हम लोग जब अपने जीवन के कष्टों में रहते हैं, हम लोग हर जगह जाते हैं, हर इंसान के पास, हर एक वो जगह जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन एक शख्स के पास जहाँ हम लोग जाते नहीं हैं, एक इंसान जो कि इंसान के रूप में इस दुनिया में आया हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हम लोग उसी के पास नहीं जाते हैं। हम लोग हर जगह तो दौड़ते हैं, हम लोग हर जगह तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़दीकी में हम लोग जाते नहीं हैं। हम लोग अपने दुख को तो हर एक इंसान के साथ बांटते हैं, लेकिन परमेश्वर को कहते नहीं हैं कि मैं इस दुख में घिरा हुआ हूँ, मैं इस तकलीफ़ में घिरा हुआ हूँ। इस तकलीफ़ को हम लोग उसके साथ बांटते नहीं हैं। ये वचन बोल रहा है कि मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, पर 40 दिन और 40 रात। और जब परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था, व्यवस्था की 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया। परमेश्वर ने उसको बताया कि मनुष्य जाति के लिए क्या करना उचित है और मनुष्य जाति के लिए क्या करना उचित नहीं है। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी दिखाता है, जब मूसा सिनै पर्वत से उतर के आया, उसको नहीं पता था उसका चेहरा बदल गया है, उसका चेहरे पे वो प्रकाश आ गया है, उसका चेहरा उस ज्योति से भर गया है जो परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो सिनै पर्वत से उतर के आया, उसका चेहरा चमक रहा था और उसके चेहरे पे इतना चमक था कि वहाँ के लोग जो इसराइल के थे उसके चेहरे की ओर अपने नज़र को नहीं लगा पा रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, आप जब परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाएंगे, वही परमेश्वर जो मूसा के चेहरे पे वो चमक दिया था, वो परमेश्वर जो मूसा के चेहरे पे वो ज्योति दिया था, वो परमेश्वर आज आपको भी बदल देगा। आज वो परमेश्वर आपके चेहरे को बदल देगा, वो परमेश्वर आपके अंदर आएगा। ये दुनिया के लोग जब आपको देखेंगे, वो आपके चेहरे पे उस परमेश्वर के प्रकाश को देख पाएंगे। ये दुनिया के लोग जब आपसे नज़र मिलाएंगे, वो परमेश्वर के ज्योति को आपके अंदर देख पाएंगे। लेकिन क्या आज आप तैयार हैं मूसा की तरह प्रार्थना करने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं मूसा की तरह परमेश्वर से बातचीत करने के लिए? क्या आज आप परमेश्वर से कहेंगे, हाँ प्रभु, मैंने तो अपने जीवन की परिस्थिति में, मैंने तो अपने जीवन की कठिनाइयों में हर एक जगह पे गया, हर एक इंसान के पास गया, पर प्रभु मैं तेरे पास नहीं आया, मैं तेरे चरणों में नहीं आया, मैं अपने दुखों को तो सबको सुनाया, पर मैंने अपने दुखों को तुझे नहीं बताया, मैं अपने दुखों को सबसे तो बांटा, पर मैं अपने दुखों को तुझसे नहीं बांटा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर से आप कहेंगे, हाँ परमेश्वर, आज मैं आया हूँ अपने दुख को तुझसे बांटने के लिए, आज मैं आया हूँ अपने दुख को तुझसे बांटने के लिए, आज मैं आया हूँ अपने तकलीफ को तुझसे बांटने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुनिया के लोग मेरे तकलीफ को नहीं समझेंगे, मैं जानता हूँ ये दुनिया के लोग मेरे कष्ट को नहीं समझेंगे, पर मैं जानता हूँ ये भी परमेश्वर कि तू मेरे तकलीफ को जानेगा, तू मेरे कष्ट को जानेगा और तू मेरे प्रार्थनाओं को सुनेगा। अगर आज आप ये वचन अपने वचनों के द्वारा अगर आज आप परमेश्वर से कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जिसने याकूब को आशीष किया, जब याकूब का हाथ खाली था और उसके हाथों को
आशीषों से भर दिया। जब याकूब सोच रहा था मैं अकेला हूँ, लेकिन उसके इस जर्नी में परमेश्वर उसके साथ था। आज आपका जो जर्नी है, आज आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आज आपकी जीवन की जो कठिनाई है, परमेश्वर आपके साथ है। जब आज आप प्रार्थना करेंगे, जैसे मूसा का चेहरा बदल गया था, आज आपका चेहरा भी परमेश्वर बदल देगा। जैसे मूसा के चेहरे पे परमेश्वर की ज्योति प्रकाश हुई, आज आपके चेहरे में भी, आपके जीवन में भी परमेश्वर का वो ज्योति आएगा, और ये दुनिया आपके अंदर उस परमेश्वर को देख पाएगा। क्या आज आप प्रार्थना करेंगे? क्या आज आप विनती करेंगे? क्या आज आप गिरगिराएंगे? जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो हर जगह जाता था उनको चंगा करने के लिए। वो जहां पे देखता था कोई बीमार है, वो उस जगह जाता था उनको चंगा करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए। वो जब भी देखता था कहीं पे कोई दुखी इंसान है, वो जाता था उनको दिलासा देने के लिए। वो देखता था कहीं पर भी कोई इंसान कष्ट में है, समस्या में है, वो वहीं पे जाता था उसके कष्ट को कम करने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए। अगर हम लोग एक वचन को पढ़े, नया नियम मरकुस 9:15, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। जब जब यीशु मसीह को कोई देखता था, तब तब लोग उसको देख के आश्चर्यजनक हो जाते थे, इसलिए कि लोग जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लोग जानते थे अगर मैं बीमार हूं, ये मेरे बीमारी को चंगा कर सकता है। लोग जानते थे कि आज अगर मैं कठिन परिस्थिति में हूं, एक ये है, ये मसीहा जो मेरे परिस्थिति को बदल सकता है। लोग जानते थे आज अगर मैं रो रहा हूं, ये वो मसीहा है, ये वो परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे आंसुओं को पोंछ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब लोग उसको देखते थे, उसके पास दौड़ के जाते थे और जाके उसके पैर को पकड़ लेते थे, उसको प्रणाम करते थे। क्या आज आप तैयार हैं दौड़ के जाने के लिए? क्या आज आप दौड़ेंगे उस परमेश्वर के लिए? इतना दिन शायद आप इंसानों के पास दौड़े, इतना दिन शायद आप ऐसे लोगों के पास दौड़े जिन लोगों को आपके दुख से, आपके तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। क्या आज आप उस परमेश्वर के पास दौड़ेंगे जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? क्या आज आप उस परमेश्वर के पास दौड़ेंगे जिसने आपके लिए अपने जीवन को दे दिया? क्या आज आप उस परमेश्वर के पास दौड़ेंगे जो आपके खाली हाथ को आशीषों से भरने वाला है? क्या आज आप उस परमेश्वर के पास दौड़ेंगे, उस परमेश्वर को प्रणाम करेंगे, उस परमेश्वर के पास गिरगिराएंगे जिस परमेश्वर ने आपके लिए, आपको बचाने के लिए, आपके जीवन के लिए अपने जीवन को दे दिया, अपने लहू के बूंद बूंद को दे दिया? अगर आज आप उसके पास दौड़ेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको निराश नहीं करेगा। तकलीफ कुछ भी है, समस्या कुछ भी है, कष्ट कुछ भी है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप शायद सोच रहे हैं आपका बहुत कुछ चला गया है, बहुत कुछ लॉस हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके लॉस को पूरा कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो खो चुके हैं आपने, आपको वापस कर सकता है। और जब आज आप उसके पास दौड़ेंगे, वो अपने पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक करेगा। जब आज आप उसके पास दौड़ेंगे, वो अपने पवित्र आत्मा को देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा, उसने अपना आत्मा हमें दिया है। आज
जब आप उसके चरणों में जाके उसको पुकारेंगे, उस यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, उस परमेश्वर के पुत्र को पुकारेंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो अपने पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक करेगा, आपको उस पवित्र आत्मा से, उस पवित्र आत्मा के शक्ति से, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज वो आपको भरेगा, आपके जीवन के हर एक कठिनाई को दूर करेगा, आज वो आपके हर एक आंसुओं को पोछेगा, आज आपने जो कुछ भी खो दिया है सब कुछ वो वापस करेगा। शर्त बस एक ही है, क्या आज आप उसके पास दौड़ेंगे जैसे लोग यीशु मसीह के पास दौड़ते थे, जैसे मूसा सिनै पर्वत पे दौड़ के गया था, जैसे याकूब परमेश्वर के पास दौड़ के गया था, क्या आज आप दौड़ेंगे? अगर आज आप दौड़ेंगे, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन को संवारेगा। इस समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं जब आपके लिए प्रार्थना करूँ आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ आप उस परमेश्वर के पास गिरगिराइए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम अपने आँखों को बंद करते हैं और उस परमेश्वर के सामने अपने हाथों को जोड़ते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है जब मूसा तेरे पास गया था तूने अपने ज्योति से उसको भर दिया। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हर एक जन के ऊपर आपका ज्योति चमके, हर एक जन के जीवन में आपका ज्योति चमके, हर एक जन को पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए। जितने जन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उनके दुख को आप देखिए, उनके आंसुओं को आप देखिए और उनके आंसुओं को आप पोछिए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अगर कोई बीमार है आप अपने हाथों को बढ़ाइए और चंगाई दीजिए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे याकूब के खाली हाथों को आपने आशीषों से भर दिया, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन अपने जीवन में बहुत सारे खो चुके हैं, चाहे वो चीज हो चाहे वो इंसान हो, आप उसको डबल मेजर में उसको वापस कर दीजिए, दुगना मेजर में आप उसको वापस कर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे गिड़गिड़ानों को सुनते हैं। प्रभु, आप दया कीजिए, अपने लोगों पे, अपने संतानों पे आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, हर एक दया और अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।